करने के लिए 1,35,00,000 रुपए खर्चा करके शिकागो में जाकर ऐलान कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि 32 से बढ़ाकर 21 से बढ़ाकर 52,000 रुपए करने का। तुम 25 रुपए या 30 रुपए से 52 रुपए पे क्या जो रची कल हमारे मीटिंग में तुमने कहा, हमने जाकर विभाग से वहां से 1.5 अरब मांगा, वहां से अगर 2 अरब मांगा, तुम मांगने के लिए जाते हो, तुम अपने वसाइल मांगो, तुम अपने सुस्ते का वसाइल मांगो, तुम अपने मादनियत का वसाइल मांगो, तुम अपने जंगलात का वसाइल मांगो, तुम अपने खैरात मांगो, ठीक है कि नहीं है? हमने वजीर आला को बताया जो खैरात मांगो, अपना वसाइल मांगो, अपना हक मांगो। सोलह बेटे तो हक नागी ना तमेशा ना रखा भाई कुर्सी खाली अंग भैया आधे बाकी ना रही है वो लटार अंग में भेवा हुआ एम एलाना दिवेन या तेना ने तख्त हिम या ताबूत हिम तख्त हिम या ताबूत हिम या देमिरी या बेबेद धीनी में हो या कि देमिरी हम ऐसा नहीं होगा। अभी हक रहेंगे खाली कंगुम पे नहीं है, अभी 75 साल वाला हिसाब मांगेंगे। सबसे पहले मैं हफीज और जामदर साहब से बात करूंगा, या इधर का हो जाओ या उधर का हो जाओ, तुम्हारे वजीर अमजद साहब है मेरा पहला सवाल। तुम्हारे दो वजीर सिकंदों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमने 52 रुपए करके आप कहते अफसोस है, उनको डिसार्ज करो, उनको आप अपोजिशन में लाओ, वजीरों को वो बढ़ाते हैं, तुम अपोजिशन में आए उनको लाके कहते हैं मेरा अफसोस है, नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर नहीं बढ़ाते हो या हुकूमत में रहो या वाम के साथ खड़े रहो या हुकूमत में रहो, दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी दोगली पॉलिसी। उधर के मजे उधर भी मजे ले रहे हो, इधर से भी हौसले बढ़ाते हो, जुल्म इधर मजे उधर नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। अहमदाद साहब हम आपको इत्राम के साथ कहते हैं, या हुकूमत में रहो या अवाम में रहो, या हुकूमत में रहो या अवाम में रहो। हफीज साहब या हुकूमत में रहो, तुम्हारे भी वजीर है, वजीर उखराक तुम्हारा है, अनवर तुम्हारा है, या हुकूमत में रहो या अवाम में रहो, ये टुकड़े पासे तुम नहीं बच जाओ। एक पंजाब इमान जिंदाबाद, रवन वाला भी आया जिंदाबाद, लड़का नवा भी आया जिंदाबाद, शेख होए बने चाहे वो मुलायम हो चाहे मुशेब हो, शेख होए बने बर्बाद खाना गरीब पूरी, शर्म करो बनी कलर के शेख हुए बंदे, रेवरेंड के शेख हुए, मुलाकात के शेख हुए बंदे, शर्म आना चाहे। आज हम अपने राय अमल का भी ऐलान करते हैं, राय अमल का भी ऐलान करते हैं। इन दोनों को मैंने इज्जत के साथ कहा, सोचता अमजद साहब का शुक्रिया अदा ना था, हफीज साहब का शुक्रिया अदा ना था, उनको दो डोज में बताओ, या हमारे साथ हो जाओ या हुकूमत के साथ हो जाओ, बता दो। बढ़ाते भी खोते हैं इधर आगे अफसोस के अफसोस हुकूमत भी खाई होने गिरे अफसोस चरपा खाना था, ये नहीं चलते चलने नहीं देंगे, करे सुनिया सुनते करे सुनिश्चित अभी चलना नहीं देंगे, अभी क्रिकेट पाकिस्तान आवाम बन के अपना हक ले लेंगे, अभी ये न शिया बनेंगे न सुनी बनेंगे न इस बारे बनेंगे, क्रिकेट पाकिस्तान का आवाम बनेंगे। बहुत चौड़ाई गेम चलने दिया है, अभी चीफ सेक्रेटरी को ये टारगेट करके दिया है कि तुमने जाकर क्रिकेट पाकिस्तान का अनाज 80-25% सब्सिडी जाकर पहले जाकर तुम क्रिकेट पाकिस्तान के सब्सिडी खत्म करो कहकर मैं चीफ सेक्रेटरी को बताना चाहता हूँ, तुम मुलाजिम हो बादशाह नहीं हो, तुम मुलाजिम बन के आया हो बादशाह बन के नहीं आए हो, हमसे पूछो हम यहाँ के पास ही है। आते हुए तुमने यहाँ पे गंदम की कीमतें बढ़ाया है, ऐसा लगे कि हकीकत जानो तुम्हारा कोई एहसान नहीं है, हमने आजाद कराया, हमने आजाद कराया है, तुमने कुछ भी नहीं किया है, मुलाजिम है मुलाजिम बन के रहो बादशाह बन के नहीं रहो। आते हुए बगैर पूछ के 52 रुपए तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकेगा, याद रखो ये क्रिकेट पाकिस्तान के अवाम है,
सब चाहे डंडे लेकर ढोकरों को बगाए है तो तुम क्या चीज हो? कुर्से खाले हैं बगाए तो मुश्किल इन बागा वाह 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 खाले हैं बगाए तो स्वाद है वाह अभी वाह समझ वाह अनि बगाए तो नशा तो मैं तीनों नशा अनि बगाए तो स्वाद बिस्मिल्लाह वाह अभी वो खत्म हो गया ये जूजू वाला खत्म जितना देते हैं तुम मेट्रो पे तीसरा तुम मेट्रो पे तीसरा देते हो नहीं पूछते हो तुम जरा सिगर वाला हो या सतारा सिगर वाला हो इधर तुम सरा हुआ कंगुम देके फिर पूछते हो तुम सतारा सिगर वाला हो या अठारह सिगर वाला हो लानत हो तुम्हारा इस बात पर लानत हो तुम्हारा इस बात पर तुम अपनों से नहीं पूछते हो तुम अठारह वाला हो या सतारा वाला हो सरा हुआ कंगुम देके हमसे पूछते हैं तुम दुकानदार हो या जज हो मेरा जज भी रहेगा मेरा दुकानदार भी रहेगा मेरा सतारा वाला भी रहेगा मेरा अठारह वाला भी रहेगा मैं सही नहीं दे दो तुम नहीं दे दो अलाका छोड़ दो कंगुम कंधे पे रख के दबा हो जाओ कि चले जाओ बशांत उस तरफ जाओ हम खा के मरे भूखे मरे हमारा इलाका इतने बेघर हम भी नहीं है हम कमा के खाएंगे तुम्हारा एहसान नहीं लेंगे एक सड़ा हुआ गंदम देकर हमारे ऊपर सौ एहसान डालते हो तुम्हारा एहसान तुम्हें मुबारक बात याद रखो अभी नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम ये हमारा जो आज 14-15 जगहों पे एहतजाज हुआ है ये है अलामती एहतजाज ये हमने गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान को वार्निंग के तौर पर किया था ये आएगा हमने एक से दो जगहों पर कहेंगे उसके बाद चलो चलो गिलगित चलो कि तहरीक चलाएंगे यासीन वाले भी आएंगे गीजर वाले भी आएंगे गदुच वाले भी आएंगे हुंजे वाले भी आएंगे नगर वाले भी आएंगे या यहाँ जमा होंगे यहाँ से हमारी करारदाद होगी करारदाद में 75 साल का जिक्र होगा और इनकी जदू की जिक्र होगी सुनो एजेंसियां वालों सुनो नोट करो जिक्र होगी तुम्हारे 75 साल की जदू का करारदाद बनाएंगे वहां जाकर युवाओं की दफ्तर में देंगे और यहाँ से चलते हुए पहला पड़ाव हमारा झुकड़ में होगा देखना डाला पता पहला पड़ाव पड़ी और जुड़ो लोगों ने हमें वोट का मुहाप करना वहां पड़ी वाले चुरोट वाले शिकर वालों को हम आवाज देंगे कोई चलो चलो करगिल की तरफ जाएंगे कोई चलो चलो कहकर यहां जब आएंगे और वहां हम उनका इंतजार करेंगे पड़ी में इंतजार करेंगे चुगरोड में इंतजार करेंगे दूसरा पड़ाव हमारा चिरास में होगा दूसरा पड़ाव हमारा चिरास में होगा वहां से चिरास वाले हमारा वेलकम करेंगे एक दिन हम चिरास में रहेंगे एक दिन हम चिरास के मेहमान रहेंगे याद रखो एक दिन हम चिरास का मेहमान रहेंगे वहां से जाएंगे शक्याल में तरेल वाला आएंगे तंगी वाला आएंगे और तुमने तो फोर जी भी तो नहीं चलाया जी थ्री चलाओ तुम्हारा जी थ्री होगा हमारे सीने होंगे फोर जी भी तो तुमने चला नहीं सका फोर जी भी तुमने चला नहीं सके और तुम फोर जी भी नहीं चला दो 3G चलाओ और हमारे सीने होंगे हमारे लाश आएंगे दरिया पे गिराओ तुम ये तादाद बन रखो और 100 बंदे मारो 200 बंदे मारो मेरा काफिला रुकेगा नहीं चलो चलो इस्लामाबाद चलो होगा सुनो जंगसी वालो इस्लाम नहीं रुकेंगे नहीं रुकेंगे जितने तुम जख्मी करोगे जितने तुम मारोगे इतना जिस जिसने सिकंदों में
बेस्ट काम बन सकी। राजा नासरी का नोट करो, हुसैन शाह, ईमान शाह, आज जय कर लारो सिकंदर शहजादा का सिकंदर पास्टर रोजा शाम सुनोर। ये पांच आदमियों को पर्चे लगवाएंगे, ये कानूनी जंग लड़ेंगे, दुश्मनियां भी करेंगे इनसे। जो जख्मी होगा मरेगा, उनको उनके पर्चे भी होंगे और दुश्मनियां भी करेंगे। याद रखो ये तहरीक रुकने वाली नहीं है। तुमने कहा गरीबाग में जलसा खत्म करके ये खत्म होगी, नहीं होगी। खत्म होंगे तो एक्शन कमेटी का हर पल खत्म होगा, तहरीक खत्म नहीं होगी। याद रखो तुम टैक्स बिल भी लाते हो, रिनोवेट वाला बिल भी लाते हो, बिल्कुल सर के तुम्हारे मुंह में देंगे। मंजूर होगा तो ओके, नहीं होगा तो दूसरा ओके। नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। 52 वाला भी नहीं मानते हैं, 42 वाला भी नहीं मानते हैं, तुम्हारा कल वाला भी नहीं मानते हैं। क्या बात है, ये वतन खराब मत करो। ये वतन अभी बच्चा बच्चा जागा है, कौम जागेगी, कौम को अभी कंदुम पे नहीं रोकेगी। तुमने शिकारों में 15 बंदूक के पर्चे किया, मिजब समेत 15 बंदूक के पर्चे किया है, पर्चे वापस ले लो, वरना कौम उठेगी तो यहाँ नहीं रुकेगी। सवाल दूसरा उठेगा, दूसरे आजादी का उठेगा, उठेगा नहीं रुकेगा। तुम रोक भी नहीं सकोगे, कितने लोगों को मारोगे। यहाँ से हर घर से बट्टू नहीं निकलेगा, यहाँ हर घर से इमरान नहीं निकलेगा, यहाँ हर घर से नवाज शरीफ नहीं निकलेगा, यहाँ हर घर से गिलगिती निकलेगा, यहाँ हर घर से गिलगिती निकलेगा। तुम किस किस को मारोगे, तुम किस किस को मारोगे। याद रखो एजेंसी वालों, ये तुम्हारा काम है, इस तहरीक को यहाँ नहीं रुकेगी। जो जो तुमने गलतियां किया है 7 दिन के अंदर ठीक करो, नहीं किया तो तुम संभाल नहीं सकोगे। कौन कौन संभाल नहीं सकोगे, अब बता दिया आपको। याद रखो तुमने मजाक समझा है, और हर बात पे जमीन भी हमारी, मर्जी तुम्हारी। खा ये खाब है, काबिर नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। बाप 30 अरब उधर देते हो, किसी से नहीं पूछते हो। 10 अरब के लिए इलाके को हाथ से मत जाने दो, मैंने बता दिया। फिर तहरीक उठेगी तो कोई किसी का बाप भी नहीं रोकेगा। किस किस को मारोगे, किस किस को मारोगे। बटू नहीं निकलेगा, गरीब बल्तिस्तान के बच्चा बच्चा निकलेगा। फिर हमारी तहरीक है, स्कूल के बच्चों को हम रोड पर लाएंगे, स्कूल के बच्चों को रोड पर लाएंगे। किस किस को मारोगे, किस किस को मारोगे। खबरदार, गलती नहीं करना, वार्निंग दिया है एक्शन कमेटी ने, वार्निंग दिया गलती नहीं करना। तुम इस गलती को दोहराओगे तो अलग तुम्हारे हाथ से निकल